भाई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या मतलब है इसका? यार बहुत बहुत थैंक्स यार, एक ब्यूटीफुल लोकेशन में एक बहुत अच्छा बंगला दिखाने के लिए। ओके थैंक यू, बाय। एकदम मस्त। क्या हुआ? सर नमस्ते। नमस्कार, कौन है आप लोग, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनोज है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम आने वाले हैं ऐसा हमारे बॉस ने फोन किया होगा ना? अरे दो दिन पहले छोटे मालिक ने फोन करके बताया था ना कि उनके दोस्त आने वाले हैं, वही लोग हैं ये। मेरा पति थोड़ा ट्यूबलाइट है, बुरा मत मानिएगा। आइए आइए, कम ऑन गाइस, चलो 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 दोस्तों, आइए आइए अंदर आइए। ओहो, हम लोग इस घर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग रहकर गए हैं, उनके लिए तो हमारा खाना मजेदार था। हम लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आप लोग को कैसा खाना चाहिए? नॉन वेज चाहिए कि वेज चाहिए? देसी मुर्गा चाहिए कि मोंगूस चाहिए कि सुअर चाहिए? आप लोग बस करो ना, डर जाएंगे वो लोग। और पीने के लिए कुछ मिलेगा क्या? पीने के लिए चाहिए, अभी लाया पानी। ओह सुनिए जी, हम दोनों ही ट्यूबलाइट हैं। मिस्टर एंड मिसेस ट्यूबलाइट। ये लो, पेट भर के पियो। ओके ठीक है, हम नदी में जाकर नहाकर आते हैं, ये लीजिए पैसे, तब तक आप और हम लोगों के लिए फ्रेश बांगड़ा मच्छी बनाकर रखना। ठीक है, बना देता हूँ। अंकल थोड़ा तीखा ज्यादा बनाना। आंटी हमारा रूम का, चलो मैं दिखाती हूँ। सुनिए आप जाकर मसाला रेडी कीजिए, मैं जाकर कमरा दिखा कर आती हूँ। के लिए बोल रहे हैं। हाँ, चलेगा। चलिए चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गया? ए तू चुप रे। सुन यार, तुम्हें कुछ अजीब सा साउंड नहीं सुनाई दे रहा यहाँ पर? यार एक बार तू आवाज करके देख। ए कोई जंगली जानवर होगा, क्यों डर रहे हो? इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो आगे। बेकार में डरा दिया। ए नागू थोड़ा जल्दी चलना। यार हाँ, आगे जाने की जरूरत नहीं, उधर यहीं पर नहा लेंगे। हाँ जगह तो ठीक है यार। हाँ चल चल चल। तुम लोग यहाँ पर अपना
अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो, मगर हम लोगों का क्या? हम लोग चेंज करेंगे? इनके बारे में पड़ेगा, वहाँ जाओ और जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? ये ठीक है। वहाँ? अरे यार। जाओ जाओ, कोई बात नहीं है। ए, आगे गड्ढा हो सकता है, देख के। हाँ, तू आ गया। ए, पहले तू खुद को संभाल, बाद में दूसरे को बोलना। चल आगे चल। पवित्रा, तुम्हें उस ब्रह्मा ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे जैसी लड़की के साथ। मेरी जैसी लड़की मतलब मैं नहीं क्या? ए, तुम ही। बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? इस धरती के जितना, उस आसमान के जितना। सच कहूं तो तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ए, किसे देख रहे हो तुम? हाँ, भगवान के बनाए हुए स्वर्ग लोक में हूँ मैं, अपनी ब्यूटी के साथ। ओहो, फिर भी क्या फायदा। और उन लोगों को देखो, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं वो लोग। और एक तुम हो, इतनी दूर बैठी हुई हो। ए, पास में आओ ना। पास आऊंगी तो क्या होगा, मुझे पता है, तभी दूरी मेंटेन करके रखी है, वहीं बैठो। क्या कुछ भी। सोमू, देखो ना उन्हें, दोनों के बीच कितना प्यार है। ए, पगली है तू, हा? तू वो कमीने लोग कभी कभी अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा प्यार सच्चा है जान। सुनो, एक बात बताऊं, मेरे दिल में, मेरे सपनों में, मेरी आंखों में, बस हर जगह तुम ही तुम ये हो। सब बातें ट्रिप खत्म होने तक ही रहेंगी। सोमू, नागराज जो कह रहा है वो सही है क्या? तो है। उस कमीने की बात क्यों सुन रही हो? इधर देखो, मैं कौन हूँ? कोहिनूर डायमंड हूँ, मास्टर पीस हूँ। अगर तुम कहो तो जहाँ तक ये नदी जाती है वहाँ तक तैर के दिखा सकता हूँ। अगर तुम कहो तो इस नदी का पत्थर उठाकर इस नदी की दिशा तक बदल सकता हूँ मैं। दिखाऊं क्या? ए, पहले इसको तो उठाकर दिखा, पत्थर उठाने की बात में करना। ए! ए, क्या समझते हो, मेरे सोमू को ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, बहुत हिम्मत है मेरे सोमू में, पता है? सही कहा। अब सोमू मेरे लिए एक शेर सुनाएगा, है ना? सोमू, शायरी सुनाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दो। इतना ही ना, चलो सुनाता हूँ। ओ मेरे दिल की रानी। वाह वाह, आगे आगे सुनो। ओ मेरे दिल की रानी। हाँ, आगे भी बोलो। आगे पता हो तब ना। मुझे इतना ही आता है यार। क्या कहता? बेवकूफ। अगर लड़कियां साथ होंगी तो ये लड़के क्या जल्दी घर आएंगे। हम दोनों को सुबह से भूख लगी है, वो लोग कब आएंगे क्या पता। अरे भूखर, तुझे सचमुच भूख लगी है क्या? अरे झूठ बोलती है, भगवान से तो डर। ए, सुबह से मैं भूख से मर रही हूँ और ये मेरा पति है जो मेरे ऊपर हंस रहा है। सुबह से सिर्फ एक चपाती खाई थी मैंने, उसके बाद घी डाल के थोड़ा सा चावल खाया था, उतने से में मेरा क्या भला होगा, कोई मुझे बताएगा क्या? तू भूत बन के अगर मुझे खा भी जाए ना तो भी तेरा पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला।
मैं तुम्हें भूत दिखाई देती हूँ तुम्हें निगलने के लिए। अरे रे रे, हे भगवान, क्या बोल दिया मैंने। देखो जी, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, वो लोग अभी आ जाएंगे, उनके आते ही उनको थोड़ा खिला देना, बाकी का बचा हुआ तुम खा लेना। आपके लिए? तुम्हारा पेट भर गया तो मेरा भी पेट भर गया। अरे रे रे रे, मुझ में भी इंसानियत है, मेरे खाने के बाद जो बचेगा वो मैं आपको दे दूंगी। अरे बाप रे, ये लोग ऐसे कैसे आ रहे हैं? अरे रे रे रे, के कपड़े कहाँ चले गए? लड़कियों ने तो कुछ पहना भी है, ये लोग तो कुछ भी नहीं। ए, देखना मत, तू अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, जाते समय तो सब ठीक था, आते समय ये लोग हाफ निक्कर में क्यों आ रहे हैं? अरे क्या बताऊं भाई, हम लोगों के कपड़े तूफान में उड़ गए। ऐसा? हम लोग नदी से नहाकर बाहर आए और जब कपड़े पहनने वाले थे, इतनी जोर से हवा आई कि हमारे बैग, कपड़े, मोबाइल, कैमरा सब उड़ गए। बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपना बैग और कपड़े ही बचा पाया मैं। ये मैटर है। अच्छा, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है किसी को कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ होना चाहिए? ऐसा नहीं कहा मैंने। चलो चुपचाप अंदर, मच्छी का सालन बनाया। अरे भाई, तुम भी चलो, नहीं तो बाकी के कपड़े भी उड़ जाएंगे। बड़ा अजीब सा तूफान था ना यार। वो तूफान नहीं था, बवंडर था यार। प्रकृति की सुंदरता को कैप्चर करने के लिए कैमरा लाई थी, और आज देख रही हूँ कि प्रकृति ही मेरे कैमरे को उड़ा ले गई। मेरा 30,000 का मोबाइल भी चला गया। क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सोमू? तुम्हारा क्या चला गया पता नहीं, पर मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज चली गई है। कौन सी चीज सोमू? तुम्हीं ने जो दिलवाया था। डॉलर? नहीं रे। नहीं तो अंगूठी? अरे वो जो अंडरवेयर तुमने दिलवाया था। अबे यार, सबकी यहाँ महंगी महंगी चीजें चली गई हैं, और इसे देखो, ये एक अंडरवेयर के लिए रो रहा है। यार मनोज, उस दिन जब हम आ रहे थे वहां से तो एक अजीब सा साउंड नहीं आ रहा था, ऑब्जर्व किया था? ए, छोड़ो यार, अभी अभी क्यों उसके बारे में बात कर रहा है? क्या हो सकता है? वो कोई जानवर मेरी आवाज सुनकर आ गया होगा। तेरी आवाज तो वैसे भी जानवरों जैसी है। अच्छा, चलो सब खाना खाने चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ए, क्या हुआ? अपने बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है, सुन जरा। ए, सोमू, सोमू। यार, अपने बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं वो कौन है। ए, देवा, देवा। क्या हुआ? इस बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है। क्या यार, चलो देखते। नागो, ए नागो, उठना यार। क्या हुआ यार इतनी रात में? कुछ नहीं यार, अपने बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है, चल चल के देखते हैं। रमिया, ए रमिया, क्या हुआ सोमू? बंगले में किसी घूमने की आवाज आ रही है, चलो चल के देखते हैं। ए, 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 क्या उठो, है? उठो। अरे क्या हुआ? ए, जल्दी चलो, उठो। चलो, चलो जल्दी। कौन है?
आंटी आप हो। ये क्या बेटा, तुम लोग खुद तो डरे और मुझे भी डरा दिया ना। अरे आंटी आप हैं, हम लोग तो कोई भूत समझे थे। क्या मैं भूत जैसे दिखती हूँ तुम लोग को? आंटी एक बार अपना चेहरा आईने में देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कैसे दिखती हूँ। रात को इसको मैं भी देखकर डर गया हूँ कई बार। आप लोगों का डरना कोई बड़ी बात नहीं। ए सुनो सब लोग, अब ये परेशानी खत्म हुई ना, चलो चल के सोते हैं। इनको देखकर हमारे सोमू का पेंट गीला होने वाला था। ओए कमीनो, मैं कोहिनूर डायमंड हूँ, मास्टरपीस हूँ। मैंने तो बस तुम लोगों को चेक करने के लिए किया था ये सर। डर तो गया था ये भाई, खुद की हालत तो देख ऊपर से नीचे तक। अबे चुप, चल अब। चल अभी, हाँ चलो यार। चलो यार सोते हैं, चलो। नाग भाई कॉफी। थैंक यू थैंक यू। कॉफी। ए देवा, देवा भाई कॉफी। थैंक यू आंटी। थैंक यू। अरे अब उठ भी जाओ, कॉफी पियो ना, जल्दी उठो, कॉफी ठंडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। रात को तो आपने हमको भूत दिखाई दिया था। भूत का नाम मत लेना तुम, मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। रात को जो हुआ उसे भूल जाओ, गरम गरम कॉफी पियो। आंटी कॉफी सुपर। थैंक यू थैंक यू। आंटी मेरी कॉफी। वेट वेट कमिंग। हाँ देखो देखो, गर्मा गर्म कॉफी। ए जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो ये कॉफी तुम्हारे सर पे फेंक दूंगा मैं। तुम भी उठो, तुम्हें क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए, ये पकड़ो। चल थैंक यू सर। वेलकम। अब ये कॉफी मेरी और मेरी बीबी के लिए आधा आधा। अरे एक और लड़की कहाँ है? वो बाथरूम में होगी आंटी। ओह तब तक तो ये कॉफी ठंडी हो जाएगी, इसे मैं और मेरा पति पी लेते हैं। एक बात और तुम लोग को पहले बता दूं, मैं इसे आधी रात को घूमने की आदत है, आप लोग डरना नहीं। पहले मैं भी डरता था इसलिए मैं ताबीज। अरे मेरा ताबीज कहाँ गया? अरे नीचे बांध दिया है। अरे हाथ में था नीचे कब? बताया था बताया था। एक कॉफी। कॉफी कैसी लगी? एंजॉय। मेरे हाथ का खाना कैसा लगा तुम सबको? अच्छा भाई साहब खाना बहुत अच्छा है, एकदम मेरी माँ के हाथ के जैसा। अयो। हाँ अंकल सुनिए, रागी की लिट्टी और चिकन करी बना कर रखिए, हम लोग जंगल से घूम कर आते हैं। ठीक है बनाता हूँ। आप लोग पोल्ट्री मुर्गा शहर में रोज खाते होंगे, मैं देशी मुर्गा बनाऊंगा, आप खा के देखना बहुत अच्छा लगेगा। मैं बनाऊ ना, बहुत टेस्टी बनेगा। ठीक है हम लोग जंगल से घूम कर आते हैं। हाँ हाँ जाओ आराम से घूम कर लौट के आना, आपको खाना तैयार मिलेगा, उसके बाद आकर खाना खा लेना तुम लोग। ओके ठीक है। क्यों भाई नाश्ता अच्छा था ना? हाँ अच्छा था। हेलो कमिश्नर शिंदे बोल रहा हूँ, उस वॉचमैन के केस का क्या हुआ? सर वो पोस्टमार्टम तो हो गया है सर, डेफिनेटली मर्डर है।
पर अब तक कोई क्लू मिला नहीं है सर। ओके, जल्दी से केस को सॉल्व करने की कोशिश करो सर। ओके सर। ए, ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम? ऐसे मत घूरो मुझे, कुछ कुछ होता है। पता है तुम कितनी सुंदर दिखती हो? रंबा, उर्वशी, मेनका, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। बस बहुत हो गया, ऐसे टाइम पर लड़के ऐसे ही बातें करते हैं। सच कह रहा हूँ, अफसरा जैसी दिख रही हो तुम। बस बस टाइम हो गया, चलते हैं। ठीक है, चलो, चलो चलते हैं। ए, नागू! अरे नागू, क्या हुआ? चल, चल, चल। ए, नागू उठो, उठो ना नागू। चल जल्दी, चल यार, चलो चलो, देखो ना इसे क्या हुआ। ए, नागू, क्या हुआ? नागू उठो, उठो, ऊपर खींचो, उठो, क्या हुआ नागू? संभाल के, आराम से गिर गया, ठीक है। ए नागू, 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 हेमा, ये सब कैसे हुआ हेमा? पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग यहाँ बैठे बात कर रहे थे और अचानक फिसल गया। क्या? ठीक तो है ना? अरे यार इसे रूम पे लेके चलो। ऐसे उठा, ले चलो, समझ गए, चलो चलो। नींद नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हें दर्द बहुत ज्यादा है। सॉरी नागू, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। छोटी सी बात के लिए इतना फील मत करो, ये सब तो अचानक ही हुआ। चुप करो, ऐसे रो क्यों रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही तुम्हें जबरदस्ती वहाँ लेके गई थी। अगर मैं वहाँ जाने की जिद ना करती तो तुम्हें इस तरह इतनी चोट नहीं लगती। हेमा, तुमने किसी को जाते हुए देखा वहाँ? इस समय वहाँ कौन होगा? कोई नहीं होगा, चुपचाप बैठो। नहीं, कोई तो गया है वहाँ पर, मैं देखता हूँ। कोई भी हो, जाने दो, तुम चुपचाप यहाँ बैठो। घबराओ मत, मैं देख कर आता हूँ। ए नागू, ए नागू, नागू, ए कहाँ जा रहे हो? ठहरो तो। चलो चलते हैं वापस। नागू, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलो। ओह माय गॉड, हा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